सुबह हो चुकी है, पता है मैं फर्स्ट मॉर्निंग है। और देखिए होटल की बालकनी का व्यू काफ़ी शानदार है यहाँ का। अभी चलते हैं पापा के रूम में और उनसे पूछते हैं वो नींद वगैरह कैसी आई है, और उनको ले चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। नींद सही है मम्मी का? नींद सही आई? सही है भाजी। नींद हाँ। पापा मम्मी को नींद बढ़िया आई। और देखिए इस तरफ से बढ़िया रोशनी आ रही है और काफ़ी अच्छा व्यू है। और मम्मी और पापा नहा चुके हैं तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। टीवी देख रहे हैं यहाँ पे अभी। तो चलिए गाइस चलते हैं ब्रेकफास्ट में। तो मम्मी के लिए पापा ने फूड और पैनकेक और सैंडविच ला के दे दिया है। अभी मम्मी कर रही है वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट। और चलिए आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट एरिया। मैं भी जो है फ्रूट और सैंडविच खा रहा हूँ। तो इस तरह पापा भी सैंडविच फ्रूट और पैनकेक खा रहे हैं। बढ़िया ब्रेकफास्ट पापा जी, बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो अभी पापा और मैं जो है कॉफ़ी पी रहे हैं। मम्मी जो कॉफ़ी नहीं पी रही है, मैं और पापा जो अभी कॉफ़ी पी रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया तो चलिए अभी चलते हैं। अभी अर्न हैनी नाना जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मैं एलिस को लेकर जा रहा हूँ मम्मी पापा के रूम में। ये रहेगी हमारे साथ और हैनी और नाना और अर्न जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए एलिस जो है नींद में, एलिस अभी सो रही है गहरी नींद में। तो चलिए चिल्ले चलते हैं इसको दादा और दादी के रूम में। तो एलिस अब यहाँ सोएगी आराम से दादी और दादा के कमरे में। ये जो है मम्मी और पापा करेंगे रेस्ट ब्रेकफास्ट के बाद। गाइस अभी हम जा रहे हैं डॉल्फिन शो देखने के लिए, तो चलिए आप लोगों को दिखाएंगे डॉल्फिन शो। और एलिस लेटी हुई है अपने स्ट्रोलर में। और आज है हैनी का बर्थडे, सो हैनी हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी आप अभी रेडी हैं, तो चलिए चलते हैं डॉल्फिन शो देखने के लिए। और ये देखिए हैनी ने बाय किया है ये जीटी। बहुत अच्छा। और मम्मी ने लगाई है एलिस की बिंदी। साक्षात दूध ही पी रही है। तो ये है देखिए
तो पहुंच चुके हैं गाइज हम यहाँ पे डॉल्फिन शो देखने के लिए, और ये है टिकट काउंटर, यहाँ से लेंगे टिकट। तो चलिए चलते हैं बंदर। गाइस शो जो है स्टार्ट हो चुका है, देखिए
उनकी फ्रेंड और बच्चे आए हैं एलिस से मिलने के लिए। माई मॉम, माई मॉम, माई मॉम, माई फादर, माई फादर। अब एलिस को होल्ड कर रही है वन। वान जो है उबोन से आई है घूमने के लिए। अब एलिस से बात करते हैं। तो गाइस डॉल्फिन का शो देख के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और चलिए पापा जी से बोलते हैं कैसा उनको लगा डॉल्फिन शो देख के। मज़ा आया पूरा, बढ़िया आया। तो मम्मी पापा को डॉल्फिन का शो जो है बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस था इसका।